जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी इस वीडियो में अपकमिंग टाटा एल्ट्रॉस टर्बो पेट्रोल के वेरिएंट लिस्ट और इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस के बारे में जानकारी दी थी, वैसे ही आज मैं आपको एल्ट्रॉस टर्बो पेट्रोल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप एल्ट्रॉस और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज और बेस्ट कार्स इन एवरी सेगमेंट जैसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर एल्ट्रॉस टर्बो पेट्रोल से जुड़ी नई डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंटली एल्ट्रॉस के टर्बो वेरिएंट से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट लीक हो गया था, जिसके कारण हमें एल्ट्रॉस टर्बो के इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस लिस्ट के बारे में पता चल पाया है। इस लीक डॉक्यूमेंट में इन्हीं डिटेल्स को पढ़ सकते हैं आप, जहां पर राइट पर इस डॉक्यूमेंट में एल्ट्रॉस टर्बो के वेरिएंट्स के प्राइसेस मेंशन हैं। एल्ट्रॉस टर्बो पेट्रोल हमें सिर्फ चार वेरिएंट्स में मिलेगी, नेमली XT, XT ऑप्शन, XZ और XZ ऑप्शन, जहां पर एल्ट्रॉस टर्बो XT वेरिएंट 7.99 लाख का प्राइस किया जा सकता है, XT ऑप्शन वेरिएंट 8.19 लाख का, XZ वेरिएंट 8.59 लाख का और XZ ऑप्शन वेरिएंट 8.75 लाख का। अगर इस लीक डॉक्यूमेंट के प्राइसेस को हम ऑफिशियल प्राइसेस मान लें तो ये सारे वेरिएंट्स एल्ट्रॉस के 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वेरिएंट से 1.15 लाख महंगे प्राइस किए जा सकते हैं। एल्ट्रॉस 1.2 पेट्रोल एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से 5.44 लाख से 7.89 लाख के बीच प्राइस्ड है, जिसमें हमें बेस XE और मिड XM वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं और ये दोनों वेरिएंट्स हमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नहीं मिलेंगे। तो ये तो होगी एल्ट्रॉस टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स की प्राइसेस की बात। चलिए अब इसके लीक्ड इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। इस लीक डॉक्यूमेंट से हमें ये भी पता चला है कि एल्ट्रॉस टर्बो वेरिएंट्स में हमें नेक्सॉन वाला 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 110 PS की पीक पावर और 140 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जो कि नेक्सॉन के 120 पीक पावर और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के आउटपुट से थोड़ा कम है। एल्ट्रॉस के इस इंजन के साथ शायद से हमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिले और इसके अलावा एक 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी टाटा ऑफर करेगी। तो ये तो होगी एल्ट्रॉस के टर्बो पेट्रोल से जुड़ी लीक्ड इन्फॉर्मेशन की बात। चलिए अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में भी बता देता हूँ। एल्ट्रॉस टर्बो में हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, ऑटो फोल्ड ORVMs, कीलेस एंट्री, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, 16 इंच डुअल टोन अलॉयज, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 7 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक AC, रियर AC यूवेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, कूल ग्लव बॉक्स, रियर आर्मरेस्ट, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर जैसे फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी में हैचबैक में हमें डुअल एयरबैग्स, ABS, ABD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, ड्राइवर्स रियर व्यू मॉनिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। तो ये तो होगी एल्ट्रॉस टर्बो के फीचर्स की बात। अब इसके एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात कर लेते हैं। टाटा इस नए इंजन वाली एल्ट्रॉस को इस साल के फेस्टिव सीजन में ही लॉन्च करेगा और लॉन्च होने के बाद ये हैचबैक मारुति बलेनो, 2020 पोलो TSI, 2020 होंडा जैज, फोर्ड फ्री स्टाइल और अपकमिंग 2020 हुंडई i20 के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग टाटा एल्ट्रॉस टर्बो पेट्रोल से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।